हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक एचआरए का है। सही सुना, लेकिन मैं एचआरए के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके लैंडलॉर्ड ने अपना पैन कार्ड नहीं दिया तो क्या आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं नहीं सकते। ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन था जो हमसे बार बार पूछा जा रहा था कि सर, हमारे लैंडलॉर्ड ने तो हमें पैन कार्ड ही नहीं दे रहा है, हम कैसे क्लेम करें, किस तरह से क्लेम करें, कंपनी मानने को तैयार नहीं है। तो आज इस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रेंटल पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा करते हैं, और अगर आपका लैंडलॉर्ड यानी कि जहां आप जिस मकान के किराए पे रहते हैं, अगर वहां के जो मकान मालिक हैं अगर वो पैन कार्ड नहीं देते हैं, तो क्या आप अपना एचआरए क्लेम कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप, मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हो पाएगा। अगर आपके लैंडलॉर्ड ने आपको पैन कार्ड नहीं भी दिया है तो मैं उसके प्रोसीजर्स बताऊंगा, और एक लास्ट में एक फॉर्मेट भी हम आपको डिस्प्ले करेंगे कि उस फॉर्मेट के थ्रू अगर आप अपना डिक्लेरेशन अपनी कंपनी को देते हैं तो कंपनी को मानना पड़ेगा। कुछ केसेस में हो सकते हैं कंपनी नहीं मानेगी, तो उसके भी सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप 1 लाख के ऊपर देते हैं और आपके लैंडलॉर्ड के पास पैन कार्ड नहीं है, तो पहली चीज़ कि आप अपने एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये कहता है कि एक डिक्लेरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखा है कि अगर आप वो डिक्लेरेशन भरते हैं, और उसमें कंडीशन है कि या तो जिस जो भी आपका लैंडलॉर्ड है उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे हो, पहली कंडीशन। दूसरी, उसके पास पैन कार्ड ही ना हो। लेकिन दिक्कत यह है कि अब मैं किसी मकान में रहता हूं और मैं केवल आके अपनी कंपनी को बता दूं कि मेरे लैंडलॉर्ड के पास तो पैन कार्ड ही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके प्रोसीजर्स ये हैं। पहली चीज़, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में क्या होता है, पहले तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, लीज का एड्रेस देना पड़ता है, पीरियड देना, और उसमें डिक्लेरेशन लैंडलॉर्ड देता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। वो डिक्लेरेशन आपको ले जाके अपनी कंपनी को देनी होती है, और कंपनी उस डिक्लेरेशन को मानता है। उसका एक सर्कुलर भी है जिसके थ्रू ये पूरे प्रोसीजर्स को बताया गया है। लेकिन कुछ केसेस में होता क्या है कि कंपनी ये पिन लेना नहीं चाहती कि मैं क्यों इस लफड़े में जाऊं, मैं क्या करूं, मैं मुझे नहीं करना। तो ये भी देखा गया कि बहुत ऐसी कंपनी है जो कि इस प्रोसीजर को नहीं मानती है, यानी कि जो आपने डिक्लेरेशन दिया उसको नेग्लेक्ट कर देगी और आपके एचआरए के जो प्रोसीजर्स है उसमें जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उसको पे कर देगी। तो पहला ऑप्शन आपको मैंने बताया कि आप उस फॉर्मेट को डिक्लेरेशन देके अपनी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, जब कंपनी ने आपकी डिक्लेरेशन को माना ही नहीं, तब भी घबराने की बात नहीं है। जब आप रिटर्न फाइल करें उस समय आप अपने एचआरए को क्लेम कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप एचआरए को क्लेम करेंगे चांसेस होंगे कि आपको नोटिस आएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ कि जो 26 एज था जिसमें कंपनी ने जो फाइल किया था उसके अकॉर्डिंगली, और अब जो आप बात करें, दोनों में वेरिएशन आ जाएगा। जब वेरिएशन दोनों में आएगा उसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि वेरिएशन क्यों है। उस समय ये फॉर्मेट और सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। मतलब अप्लाई का मतलब ये है कि अगर डिपार्टमेंट ने किसी भी तरह की क्वेरी की तो आप उसका प्रॉपर रिप्लाई कर सके, कोई परेशानी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने 1 लाख रुपये से ऊपर का रेंटल पे कर रहे हैं और लैंडलॉर्ड ने अगर पैन कार्ड नहीं भी दे रहा है, तब भी आप पूरा का पूरा एचआरए क्लेम ले सकते हैं लीगली। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दोनों ऑप्शन बताएं, आप हमेशा पहला ऑप्शन यूज़ करें ताकि आपकी जो कंपनी है वही आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है उसमें एचआरए के क्लेम को ले सके। अगर वो क्लेम नहीं लेती है तो आप रिटर्न फाइल करते समय उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास रहें, अपने रिटर्न को फाइल करते समय उसका क्लेम लें या कभी भी, ये आपके राइट्स हैं, आपको ये मिलेंगे। लेकिन किसी भी तरह का लीगल वायलेशन नहीं होना चाहिए, या फेक चीज़ नहीं होनी चाहिए, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक परेशानी का भी सबब बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, और स्पेशली आप जो भी सैलरी क्लास हैं और इस तरह के जो क्लेम करते हैं और कोई परेशानी देख रहे हैं, या आपके कोई दोस्त इस तरह का कोई परेशानी झेल रहे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर उनको रेफर करें ताकि वो इस प्रोसीजर को समझ सके और इसको टैकल कर सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।